हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सीमा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये हमने बनाया है आलू ब्रेड का कटलेट। एक्चुअली किसी को देना था तो उनका ही डिश हमने बनाया था, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा कुछ ये नहीं है, वीडियो नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे आलू, हमने बॉईल कर लिए हैं, एक प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची, स्वीट कॉर्न कॉर्न भी बॉयल करके रखी हूँ मैं, और बॉयल करके ही डाला है। और इसमें हम डाल देंगे गाजर, तो गाजर कद्दूकस कर लिया था, आधा गाजर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा ही बनाना है। और ये हमारा 3-4 दिन का था, वही डाला है, अभी मुझे 3-4 दिन से टाइम नहीं मिला है। इसमें हरा धनिया डाल दें और उसके बाद इसमें नमक डाल के फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें नमक भी डाल देते हैं। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देते, क्यों हरी डाला है, और लाल मिर्ची थोड़ा सा कलर के लिए डालते हैं। और इसमें मैंने ब्रेड डाला है, वो क्लिप कट गई है तो ब्रेड का नहीं आया है। तो चलो हम मिला लेते पहले, और मिला के फिर हम इसकी कटलेट बनाएंगे। एक्चुअली ब्रेड हमने इसमें कम ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये थोड़ा सा गीला भी हो गया है, इसको थोड़ा देर रख देंगे टाइट हो जाएगा। और कटलेट बना लेते हैं। तो इसको आप किसी भी शेप में बना लीजिए, राउंड में बनाइए, बोलते हैं ना स्क्वायर में, कैसे भी बना लीजिए। वैसे तो ज़्यादातर तो राउंड में ही, गोल में ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। और ये तवा हमारा गर्म हो गया, तो इस पर हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेल्फ फ्राई करेंगे। तो इस पर तेल लगा के और फिर हम इनको सेल्फ फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा अगले अच्छे से सेलो में, अभी डीप फ्राई में क्या ज़्यादा ऑयल लगता है, तो उतना ऑयल नहीं लगाना है। और इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो के एंड में कुछ है तो आप लोग को पता चलेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं बना है, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला है, और उसके अलावा थोड़ा टेंशन होता है तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे थोड़ा सा पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कुछ ऐसा काम है, जो हो जाएगा तो मैं फिर आप लोग को बताऊँगी, नहीं बता सकती हूँ अभी। अभी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कब पुलिस घर पे आए कुछ नहीं मालूम है, आएगी भी कि नहीं आएगी वो भी नहीं मालूम, हम लोग को ही जाना है। तो ये वीडियो मेरा 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा पड़ा था, वो ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि सर पे इतनी मुसीबतें हैं मेरे, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती हूँ, ऐसा है हाल है मेरा। तो देखते क्या होता है उसमें। तो ये हमारी रेडी हो गई है कटलेट, और ये देखो कितना झपाझप बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ, इतना बारिश है, इतना बारिश है, सबको मालूम है कि 3-4 दिन से इतनी बारिश है। ये हमारे इधर का है वीडियो, हमारी सोसाइटी है ये। तो ये सोसाइटी का ना ग्राउंड है, और इसमें बच्चे फुटबॉल वगैरह मैच सब खेलते हैं, और यहाँ प्रोग्राम वगैरह सब होते हैं। जब 26 जनवरी आती है, और अपना अभी नवरात्र आएगा जो अक्टूबर का, डांडिया वगैरह सब होते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये, 6-7-8 बिल्डिंग की सोसाइटी है। हम लोग भी बैठ जाते हैं शाम को, जब बारिश नहीं होती थी तो, ये सबकी बाइक वगैरह खड़ी, बच्चे यहीं सबके खेलते हैं।
जो स्टेज दिख रही है वो स्टेज पे प्रोग्राम होता है तो उसको सजा लेते हैं मंडप वगैरह लगा के। तो वीडियो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैं वीडियो में अभी कुछ नहीं बता सकती आप लोग को, और मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हूँ अभी इस वक्त। मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी मुझे नहीं मालूम, ख़त्म होगी भी कि नहीं वो भी नहीं मालूम। तो चलो हम मिलेंगे, और ये है हमारा सुबह का। तो इसमें हमने मेथी आलू बनाया था, साइड में चाय भी बन गई है, और न खाने का टाइम है अभी ना नाश्ते का टाइम है, खाली जल्दी जल्दी बना के रख दो। और ये पोहा बनाया था तो शायद तो हमने खाया भी नहीं है, और बस अपना काम करो और भाग जाओ ऐसा हाल है। तो चलो मिलते। हाँ कुछ नहीं बता सकती हूँ अभी आप लोग को, बहुत मुश्किल मुश्किल में हूँ। मिलती हूँ आपके नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।